हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन इन आवर क्वेश्चन आंसर सीरीज। तो देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पॉवर्टी का क्वेश्चन आंसर नहीं देखा था, क्योंकि पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट का ये जो क्वेश्चन आंसर है, ये दोनों एक साथ ही एक जगह पे इंटीग्रेट कर दिया गया है। तो चलिए फिर फटाफट स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन एंड आंसर। सबसे पहले हमारी क्वेश्चन होने वाली है अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। द क्वेश्चन इज, अनएम्प्लॉयमेंट इज डिफाइंड एज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर फोर्स। सेकेंड स्टेटमेंट है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इज अ प्रॉब्लम ऑफ मच लार्जर मैग्नीट्यूड इन इंडिया देन कन्वेंशनली मेजर्ड अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट दोनों के बारे में मैंने सुबह की वीडियो में बात किया था। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब जहां पर अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर फोर्स, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जब भी कोई बंदा अपने पोटेंशियल से, या फिर कह लीजिए कि जिसकी उतनी टैलेंट से कम टैलेंट वाले, कम पोटेंशियल वाले जॉब को करना शुरू कर देता है, उसको हम लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो ये काफी ज्यादा हमारे लिए घातक हो सकती है। दिस इज हैविंग मच लार्जर मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम देन एनी अदर थिंग। तो काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ ऑप्शन आर करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन के बारे में आ जाए, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ये ब्लर है, बट मैं आपको बोल देता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो आपको यहाँ पर क्लैरिटी आ जाएगी। कंसिडर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया गया है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब जब भी कोई व्यक्ति एक जॉब से दूसरे जॉब में स्विच कर रहा होता है, तो उस दौरान में जब वो अनएम्प्लॉयड रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। कई तरीके से हो सकती है ये, या तो बंदा कोई न्यू टेक्नोलॉजी सीखने गया हो, या कोई भी स्ट्रक्चरल की चीजें सीखने गया हो, जिससे उसकी आमदनी में, जिससे उसकी इनकम में, जिससे उसके स्किल में और ज्यादा बढ़ावा हो सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इन्वॉल्व्स पीपल बीइंग टेम्पररली आउट ऑफ जॉब ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। बिल्कुल कह सकते हैं चेंज इन टेक्नोलॉजी को। देखिए, ये हालांकि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट भी बन जाएगा और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट भी बन जाएगा, क्योंकि यहां पर व्यक्ति की स्किल नहीं है और स्किल ना होने के कारण से वो अब जॉब से निकल जाएगा दूसरी जॉब में स्विच करने के लिए। तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट में आ जाए, इट अराइज बिकॉज इंप्लॉयर्स और वर्कर जो है वो क्विट कर दिया है, यूजुअली बिकॉज द इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वर्कर डज नॉट फिट द कैरेक्टर ऑफ द जॉब। तो बिल्कुल करेक्ट है, यहां पर क्या है कि फिट नहीं बैठ पा रहा है, इस वजह से वो अपनी दूसरी जगह पे इन्वेस्ट हो गया, दूसरी जगह पे चला गया। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी, बोथ करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? जहां पर 10 लोगों की जरूरत है लेकिन 100 लोग आके रखे हुए हैं, तो इस तरीके की चीजों को बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे एग्रीकल्चर, हम लोगों ने मॉर्निंग की वीडियो में बात ही किया था। तो ऑप्शन के बारे में बात करें तो इट इज ड्यू टू मिसमैच बिटवीन पोटेंशियल ऑफ ए पर्सन एंड हिज एक्चुअल कंट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे ऑप्शन के बारे में बात करें, इट इज अ टाइप ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट कॉज्ड बाय मिसमैच बिटवीन वर्कर की स्किल एंड स्किल नीडेड फॉर अवेलेबल जॉब। तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बी ऑप्शन है, बेसिकली वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम के बारे में बता रहा है, जहां पर स्ट्रक्चरल दिक्कत, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो जा रही होती है। तो यहां पर बी ऑप्शन गलत हो जाएगा और इस तरीके से हमारा आंसर जो निकल के आएगा वो ए निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन लेबर फोर्स इज विलिंग बट फेल्स टू गेट एम्प्लॉयमेंट। तो बिल्कुल करेक्ट है यहां पर, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहां पर व्यक्ति चाहता है फोर्स, मतलब लेबर करना, लेकिन वो लेबर नहीं कर पा रहा है, उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है। According to NSSO, if a person doesn't find work for more than half a year, he is openly unemployed. तो बिल्कुल करेक्ट है, ये भी चीज हम लोगों ने मॉर्निंग के वीडियो में डिस्कस ही किया था, जहां पर हम लोगों ने देखा था यूजुअल मेथड ऑफ एम्प्लॉयमेंट मेजरमेंट। ठीक है, तो ये भी आंसर हो जाएगी हमारी सी, करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करें, देखिए अनएम्प्लॉयमेंट एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट ऑन यूजुअल स्टेटस बेसिस। ठीक है, यूजुअल स्टेटस बेसिस यानी कि मेजरमेंट के बारे में बात कर रहा है, इज एस्टिमेटेड बाई NSSO। बिल्कुल करेक्ट है, यूजुअल भी लिया जाता है, फिर उसके बाद वीकली बेसिस भी लिया जाता है और मंथली बेसिस भी लिया जा रहा होता है। तो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट है, यूजुअल स्टेटस बेसिस मेजर्स एम्प्लॉयमेंट ओवर अ रेफरेंस पीरियड ऑफ 1 वीक। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 वीक नहीं, एक्चुअल में कितना होता है? 1 ईयर। क्लियर? तो ये हो जाएगा हमारा केवल और केवल ऑप्शन ए करेक्ट। इसमें ओनली 1 स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें।
आगे देखिए नेक्स्ट बात किया गया पॉवर्टी के बारे में, सक्सेना कमेटी के बारे में बात किया गया है, सक्सेना कमेटी के रिकमेंडेशंस को देखा गया है, द बेसिक फीचर ऑफ इंडियन पॉवर्टी क्या चीज है, अप्रोक्सीमेटली 50% पीपल ऑफ इंडिया आर पुअर, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। दूसरी स्टेटमेंट बोलता है कि सक्सेना कमेटी रिकमेंडेड द क्राइटेरिया ऑफ ऑटोमेटिक इंक्लूजन एंड ऑटोमेटिक एक्सक्लूजन, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था और ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जा रही होती हैं। छोटा सा मैं यहां पर आपको एक नोट बोलना चाहूंगा, यूपीएससी में जब भी किसी कमेटी पे बेसिस पे क्वेश्चन आता है उसमें दोनों स्टेटमेंट या मोर देन वन अगर स्टेटमेंट है तो कभी भी वो सारे करेक्ट नहीं होते हैं, हमेशा वहां कोई ना कोई एक स्टेटमेंट गलत होता ही होता है। तो आप लोग हमेशा जब भी कमेटी की रिकमेंडेशंस आए तो उसको ध्यान से पढ़िए, ऑप्शन को ध्यान से देखिए, यहां पर हमेशा यूपीएससी थोड़ी सी ट्रिक जरूर लगाती है। नेक्स्ट देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तेंदुलकर कमेटी हैज टोल्ड दैट अप्रोक्सीमेटली 50% पीपल इन रूरल एंड अर्बन एरिया आर पुअर, तो ये गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने बात ही किया था कि जो डॉक्टर सुरेश तेंदुलकर थे उन्होंने काफी कम पॉवर्टी एस्टिमेट लगाया था जिसके कारण से उनको क्रिटिसाइज भी बहुत ज्यादा किया गया था, रूरल एरिया में इन्होंने बोला था कि 29% है, अर्बन एरिया में 25% है, तो ये 50% वाली चीज ये गलत हो जाएगी, दिस इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में बात करें, अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन एस्टिमेट 27.5% पीपल आर बिलो पॉवर्टी लाइन, तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ये एकदम सही स्टेटमेंट यहां पर हो जाएगी। इसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं गिनी कोफिशिएंट से रिलेटेड और फिलिप्स कर्व से रिलेटेड, ये मैं फिलहाल अभी छोड़ रहा हूं, अभी मैं इसको स्किप कर रहा हूं क्योंकि मैंने अभी कवर नहीं किया है, जब हम लोग कवर कर लेंगे तो आप लोग इसको वापस से आकर के जब रिवीजन करेंगे तो आप इस सारे क्वेश्चंस को फिर से कर सकेंगे, काफी आसान क्वेश्चन है, हम लोग काफी डिटेल में बात करेंगे जब भी आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करें, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉवर्टी गैप, तो पॉवर्टी गैप में क्या होती है, पॉवर्टी गैप का मतलब कि जो पुअर है उसका जो एवरेज इनकम है वो पॉवर्टी लाइन से कितना नीचे है, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉवर्टी गैप। तो इट इज अ मेजरमेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी अमंग द पुअर, द डिफरेंस बिटवीन द मीन इनकम अमंग द पुअर एंड पॉवर्टी लाइन, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी ये जो हम लोगों ने अभी बोला, वही ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में यहां पर लिख दिया है, तो दोनों का मतलब सेम ही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट के बारे में देखते हैं, द पॉवर्टी गैप इंडेक्स इज द कंबाइंड मेजरमेंट ऑफ इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी एंड डेप्थ ऑफ पॉवर्टी, तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, यहां पर इंसिडेंस भी देखी जा रही है कि कितनी पॉवर्टी है क्या है, दूसरा देखा जा रहा है कि पॉवर्टी की डेप्थ भी कितनी है, इंटेंसिटी कितनी है, ये भी हम लोग पॉवर्टी गैप इंडेक्स के माध्यम से देख रहे होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करें, व्हाट इज योर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, तो क्या रीजन है, पहला अंडर एम्प्लॉयमेंट, यस अंडर एम्प्लॉयमेंट एक प्रॉब्लम है पॉवर्टी का, ओवर एम्प्लॉयमेंट, यस ओवर पॉपुलेशन, यस ये प्रॉब्लम है, लैक ऑफ एजुकेशन एंड स्किल, ये भी प्रॉब्लम है, तो तीनों के तीनों प्रॉब्लम हो जाएगी, आंसर इसका हो जाएगा डी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन पूछा गया है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम से रिलेटेड, तो यहां पर देखिए अगेन मैं एक नोट बोलना चाहूंगा कि इस चैप्टर में पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट वाले टॉपिक में बेसिकली जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं या तो वो करंट अफेयर्स से पूछे गए हैं या फिर बेसिक से पूछे गए हैं या फिर गवर्नमेंट स्कीम से पूछे गए हैं। तो देखिए इकोनॉमिक सर्वे हम लोगों ने ऑलरेडी काफी डिटेल में डिस्कस कर रखा है, आप उसको नहीं देखे हैं तो बहुत अच्छा टाइम है, लॉकडाउन टाइम है, प्रीलिम्स पोस्टपोन हो रहा है, तो आपको काफी डिटेल में उसको देख लेना चाहिए, काफी अच्छा आपको एक प्रिपरेशन मिल जाएगी उसकी, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। बेसिक्स ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस ही कर लिया, गवर्नमेंट स्कीम के लिए अगेन मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी ही है, उसको भी आप काइंडली जाकर के देखिए, कंप्लीट करिए, तभी आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट प्रिपरेशन हो पाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए सारे के सारे क्वेश्चन यहां पर देखेंगे आप लगातार गवर्नमेंट स्कीम से पूछी गई, ये सारी के सारी गवर्नमेंट स्कीम को मैंने कट इसलिए किया है क्योंकि ये पुरानी स्कीम्स है और ये आज के टाइम में इसका कोई रिलेवेंस नहीं है, तो इस वजह से इस क्वेश्चन को करने का भी कोई मतलब नहीं है, आपको स्मार्ट स्टडी करनी होती है, इन सब चीजों को वापस से रिपीट करके कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये सारी की सारी इस समय इररिलेवेंट मटेरियल हो रखा है, तो जितने भी देखेंगे सारे इररिलेवेंट क्वेश्चन यहां पर आ रखे हैं। इसके बाद जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 23 यहां पर आपको आएगा, ये थोड़ा सा रिलेवेंट है, यहां पर बोल रहा है कि एम्प्लॉयमेंट रेट इज द रेशियो ऑफ
एम्प्लॉयड पर्सन टू द पॉपुलेशन 15 ईयर्स एंड अप टू 59 ईयर्स। तो यहाँ पर बोल रहा है कि एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो जितने लोग भी एम्प्लॉयड हैं डिवाइडेड बाई 15 टू 59 ईयर, यानी वर्किंग ग्रुप के बारे में बोल रहा है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट रेट का मतलब होता है जितने भी लोग एम्प्लॉयड हैं डिवाइडेड बाई लेबर फोर्स के लिए। मॉर्निंग में हम लोगों ने देखा था यूपीएससी एसएससी और स्टडी की जो कर रहे होंगे, जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे, वो लोग अभी फिलहाल लेबर फोर्स में काउंटेड नहीं है, तो उनको हमें माइनस करना पड़ेगा यहां पर, जबकि उनको माइनस नहीं किया है, इस वजह से स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर टू के बारे में बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज द एक्सटेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द लेबर फोर्स एट द सेम पर्टिकुलर टाइम एक्सप्रेस्ड एट परसेंटेज ऑफ टोटल अवेलेबल लेबर फोर्स। तो देखिए ये करेक्ट स्टेटमेंट है, यहां पर देखिए टोटल अवेलेबल लेबर फोर्स के बारे में बोल रहा है, ये सही स्टेटमेंट आ जाएगी, यानी इसका ऑप्शन केवल और केवल बी करेक्ट होगा, केवल और केवल टू ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में बात करें तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन एज्ड बिटवीन 15 टू 59। तो लेबर फोर्स में बोल रहा है कि जो भी पार्टिसिपेशन रेट है वो 15 टू 59 ईयर एज ग्रुप के बीच में आता है। जो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट करने आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द पोटेंशियल लेबर फोर्स फॉर रीजन लाइक बीइंग इन पर्सन प्रिजन फुल टाइम स्टूडेंट। तो बिल्कुल करेक्ट है, देखिए इसमें यहां पर बोल रहा है कि जो भी जेल में है जो या फिर फुल टाइम स्टूडेंट उसको हो रखा है तो वो इससे माइनस कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, तब हमें पता चल पाएगा कि एक्चुअल में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कितना है। तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। सेकेंड स्टेटमेंट में बात करें तो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी मीन्स द परसेंटेज शेयर परसेंटेज चेंज इन एम्प्लॉयमेंट इंड्यूस्ड बाई परसेंटेज चेंज इन जीडीपी। तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, हम लोगों ने बात भी किया था जीडीपी के चेंज होने पे एम्प्लॉयमेंट रेट में कितना चेंज आ रहा है, वही बताता है हमें एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी। इसके बारे में हम लोगों ने बात भी किया था कि ये वैल्यू ना तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए और ना ही बहुत कम होनी चाहिए, एक मिड रेंज में होनी चाहिए। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है, आंसर हो जाएगा इसका सी। अगेन देखिए कुछ क्वेश्चन ये फिलिप्स कर्व के हैं तो हम लोग बात करेंगे बाद में इस पे। क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में बात करें तो देखिए कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, पर कैपिटा इनकम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर कंसिडरेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन। नहीं, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमारा फूड इनटेक या न्यूट्रिशनल इनटेक अभी फिलहाल में मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर कंसिडरेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन है, क्योंकि 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी ये रिक्वायरमेंट होती है पॉवर्टी लाइन के लिए। तो पर कैपिटा इनकम का मतलब नहीं है हमारे यहाँ पे फिलहाल, ये डेवलप्ड नेशन में होती है, हमारे लिए अभी फिलहाल फूड इनटेक, हेल्थ और एजुकेशन, इन तीनों को लेकर के हम लोग फिलहाल में पॉवर्टी लाइन निकाल रहे होते हैं। हम लोग अभी फिलहाल तेंदुलकर कमेटी को फोकस कर रहे हैं, इसलिए हमें तेंदुलकर कमेटी के ही रिकमेंडेशन वगैरह की चीजों को कंपेयर करते हुए लेना पड़ेगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है स्टेटमेंट में, पॉवर्टी लाइन इज अ कट ऑफ पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विच डिवाइड द पॉपुलेशन एज पुअर एंड नॉन पुअर। तो बिल्कुल करेक्ट है, एक हो गया जो बिलो पॉवर्टी लाइन होंगे मतलब पुअर हो जाएंगे, और एक हो जाएंगे जो एबव पॉवर्टी लाइन हो जाएंगे, एपीएल हो जाएंगे या नॉन पुअर हो जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी, लेकिन ऊपर वाली स्टेटमेंट गलत है, केवल और केवल बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। बाकी देखेंगे आगे तो हमारे सारे के सारे क्वेश्चन रिलेटेड विद स्कीम्स आई हुई है तो हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है, तो हम लोग सारे क्वेश्चन को स्किप कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है इन सारे क्वेश्चन का, तो आप भी स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई डाउट होता है आपको तो आप हमें टेलीग्राम कर सकते हैं, टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, मटेरियल को डाउनलोड करने के लिए भी नीचे लिंक दे रखी गई है, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, चलिए थैंक यू सो मच।